सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 5। और हाँ दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी एपिसोड्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो आप इस एपिसोड के बाद देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा सेथ ने गोमा का ट्रांसमिशन डी लैब में भेज दिया था, जिसे देखने के बाद मैक्स और जोई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रैक्स और रैक्स के पेरेंट्स और अल्फा गैंग ने नई टाइम मशीन का काम पूरा कर लिया था, और जोनाथन उस नई टाइम मशीन को फाइनल रॉक टेस्ट के लिए ले जाता है। और फिर कुछ समय के बाद रैक्स और डॉक्टर एजेंट और डॉक्टर क्रिटेशिया और अल्फा गैंग वापस उस समय में पहुंच जाते हैं जिसमें मैक्स और जोई थे। अब आगे जब रैक्स वापस अपने समय में आ जाता है, तब वो अपने टाइम मशीन के मिरर से बाहर देखता है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। रैक्स को कुछ देर तक बाहर देखने के बाद लगता है शायद अभी तक गोमा इस टाइम पीरियड में नहीं आया है। फिर रैक्स जोनाथन को कहता है, जोनाथन जल्द से जल्द शिप को मैक्स के घर की तरफ ले चलो। फिर जोनाथन रैक्स की बात मान के टाइम मशीन को मैक्स के घर की तरफ ले चलता है। और फिर मैक्स के घर पहुंचने के बाद जोनाथन टाइम मशीन को स्टेल्थ मोड में सेट कर देता है। और फिर रैक्स और रैक्स की फैमिली टाइम मशीन से नीचे आती है, और रैक्स को वापस आता हुआ देख मैक्स और जोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और रैक्स भी अपने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मैक्स और जोई रैक्स से पूछते हैं, रैक्स तुम्हें फ्यूचर में जाके कैसा लगा और वहाँ पर सब कैसा है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, वहाँ पर तो सब अच्छा था लेकिन मुझे तुम सबके बिना मजा नहीं आया। फिर डॉक्टर क्रिटेशिया मैक्स और जोई से कहती है, रैक्स बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों, जब से रैक्स अपनी डी टीम को छोड़ के गया था तब से रैक्स बहुत उदास था, और रैक्स अपने दोस्तों को यहाँ छोड़ कर आने के बाद बहुत उदास रहने लगा था। फिर मैक्स की मॉम अकी कहती है, मैक्स और जोई भी रैक्स के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगे थे, और हम सब भी, अच्छा हुआ जो रैक्स वापस आ गया। फिर डॉक्टर एंशन डॉक्टर क्रिटेशिया से कहते हैं, क्रिटेशिया ये आप क्या कर रहे हैं, ये समय अभी बात करने का नहीं है, आप जानती है ना हम वापस इस टाइम पीरियड में क्यों आए हैं। फिर मैक्स डॉक्टर एंशन की बात सुनकर रैक्स से पूछता है, क्या हुआ रैक्स, तुम अचानक और इतनी जल्दी हमसे मिलने कैसे आ गए। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हमारा आना बहुत जरूरी था मैक्स, और मुझे एक बात बताओ मैक्स, क्या तुम गोमा को जानते हो। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ रैक्स मैं जानता हूँ, अभी कुछ ही देर पहले हमें गोमा का ट्रांसमिशन मिला था और उसमें एक मैसेज भी था, जिसे देखने के बाद हमें पता लगा कि गोमा स्पेक्टर का बेटा है, और गोमा ने स्पेक्टर को भी ढूंढ लिया है, और स्पेक्टर अपने तीनों स्पेस पायलट के साथ स्पेस में भटकता हुआ गोमा को मिला था, और अब सेथ भी गोमा के साथ मिल चुका है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स बस इतनी ही बात नहीं है, गोमा हमसे स्पेक्टर की बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, और सिर्फ चाहता ही नहीं बल्कि लेने आ रहा है। फिर मैक्स कहता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है रैक्स, क्योंकि अभी हमारे पास हमारे डायनासोर्स भी नहीं है, और हम बिना अपने डायनासोर्स के गोमा से मुकाबला कैसे करेंगे। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मैं जानता हूं मैक्स, इसीलिए डैड ने सभी डायनासोर्स के कार्ड अभी तक फ्यूचर के म्यूजियम में नहीं भेजे हैं। मैक्स रैक्स से कहता है, इसका मतलब रैक्स हम अपने डायनासोर्स से फिर से मिल सकते हैं। अच्छा किया रैक्स, मेरा भी चौंप एसो पेरिस को देखने का बहुत मन। अच्छा चौम कहाँ है। फिर जोई कहती है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी अपनी प्यारी पेरिस को देखने का बहुत। हाँ, और पेरिस? फिर रैक्स कहता है, तो चलो हमारे सभी डायनासोर शिप में हैं, और जोनाथन सभी को अपने डायनासोर से वापस मिलवाने के लिए शिप में ले जाता है, और जोनाथन सभी को अपने डायनासोर से वापस मिलवाता है। फिर मैक्स चौम को देखकर बहुत खुश होता है, फिर रैक्स भी एस को देखकर बहुत खुश होता है, और जोई भी अपनी पेरिस को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मैक्स के डैड डॉक्टर टेलर मैक्स को बुलाते हैं, और मैक्स रैक्स और जोई से कहते हैं, बच्चों क्या तुम्हें पता है कि गोमा कभी भी आ सकता है। फिर मैक्स अपने डैड से कहता है, हमें अच्छी तरह से पता है डैड। फिर डॉक्टर टेलर कहते हैं, लेकिन बच्चों क्या तुम गोमा के एओ आचार्य का सामना कर पाओगे। फिर मैक्स अपने डैड से कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता डैड, लेकिन हम गोमा के एओ आचार्य को हराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तभी रैक्स डॉक्टर टेलर से कहता है, लेकिन टेलर अंकल। फिर डॉक्टर टेलर रैक्स से कहते हैं, क्या बात है रैक्स। फिर रैक्स कहता है, टेलर अंकल हो सकता है कि सेथ ने ब्लैक टीरेक्स की तरह एओ आचार्य को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया हो। तभी अचानक से सेथ की आवाज आती है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे रैक्स एंशिएंट, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते। तुम क्या कहते हो रैक्स एंशिएंट? फिर रैक्स कहता है, और इसका क्या मतलब हुआ सेथ, और तुम शिप से भागे कैसे सेथ। तभी सेथ कहता है, मैं तुमको बताना जरूरी नहीं समझता। तभी मैक्स कहता है, सेथ तुम तो गोमा के साथ आने वाले थे लेकिन तुम तो अकेले आए हो। फिर सेथ मैक्स से कहता है, अफसोस मैक्स, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। फिर मैक्स कहता है, इसका क्या मतलब हुआ सेथ। फिर सेथ कहता है, यही कि मेरे साथ गोमा भी है, देखना चाहोगे मैक्स। फिर गोमा आकर अपने एओ आचार्य को बुलाता है। फिर एओ आचार्य को देखकर डी टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डी टीम ने अभी तक इतना अलग और इतना खतरनाक डायनासोर आज तक नहीं देखा था। फिर मैक्स भी चौम्प को बुलाता है, और चौम्प और एओ आचार्य के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मैक्स के घर से सभी लोग बाहर आ जाते हैं, और वो सब लोग देखते हैं कि चौम्प लगातार एओ आचार्य पर हमले कर रहा है, लेकिन चौम्प के हमलों का एओ आचार्य पे कोई भी असर नहीं।
नहीं हो रहा था और चौंप के हर हमले के बाद एओकाचार्य पहले से दुगना ताकत भर हो जाता था और अल्फा गैंग रीज डॉक्टर टेलर और रैक्स के पेरेंट्स ये सब होते हुए देख रहे थे कि चौंप एओकाचार्य से लड़ लड़कर चौंप की ताकत कम होने लगी थी और चौंप कमजोर होने लगा था और चौंप एओकाचार्य के किए हुए हर जवाबी हमले में कमजोर पड़ जाता था। फिर रैक्स चौंप की एनर्जी धीरे धीरे कम होते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि शायद अब एक डायनासोर से बात नहीं बनेगी, इसलिए वो एस को भी लड़ने के लिए भेज देता है और अब एस और चौंप साथ मिलकर लड़ने वाले होते हैं। और फिर इतनी ही देर में एओकाचार्य सेथ के बनाए हुए मूव फायर स्कॉचर का इस्तेमाल करता है। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स हो सकता है कि एओकाचार्य भी ब्लैक टीरेक्स की तरह ही फ्यूजन मूव का सामना न कर पाए क्योंकि सेथ ने उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया है बिल्कुल ब्लैक टीरेक्स की तरह ही। तभी मैक्स थोड़ी देर सोचता है और रैक्स से कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तभी रैक्स और मैक्स साथ मिलकर एओकाचार्य पर फ्यूजन मूव का अटैक करते हैं और दोनों डायनासोर्स मिलकर एओकाचार्य पर खतरनाक हमला करते हैं, लेकिन उन हमलों का एओकाचार्य पर कोई भी असर नहीं होता है और सेथ ने डी टीम को हराने के लिए फायर स्कॉर्चर मूव के अलावा और भी कई खतरनाक मूव कार्ड्स बनाए थे, जिन मूव कार्ड्स में से कुछ मूव कार्ड सुपर एओकाचार्य और ओमेगा एओकाचार्य के भी थे और सेथ ने उन सभी मूव कार्ड्स को बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया था ताकि एओकाचार्य के इन मूव्स का इस्तेमाल करके सभी डायनासोर्स को हराया जा सके। और ऐसा हो भी रहा था क्योंकि मैक्स, रैक्स और जोई में से किसी के पास भी असली स्टोन प्लेट्स नहीं थी क्योंकि सभी असली स्टोन प्लेट्स कॉस्मो स्टोन के आफ्टर कॉस्मिक ब्लास्ट के बाद खत्म हो गई थी और वो कॉस्मिक ब्लास्ट डायनासोर किंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड द फेथ ऑफ कॉस्मो स्टोन में एपिसोड 30 में दिखाया गया था। और जिन कॉपीड स्टोन प्लेट्स के पत्थरों का इस्तेमाल डी टीम कर रही थी वो असली पत्थरों की नकल कर बनाए गए थे और उन कॉपीड स्टोन प्लेट्स को बनाने वाला भी सेथ ही था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब एस और चौंप मिलकर एओकाचार्य पर बार बार हमले कर रहे थे तो उन हमलों का एओकाचार्य पर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैक्स और रैक्स अपने सभी मूव कार्ड्स का इस्तेमाल एओकाचार्य पर करते हैं, लेकिन इतने हमले होने के बावजूद भी एओकाचार्य पर इतने सारे हमलों का कोई भी असर नहीं दिखा और एओकाचार्य जरा भी नहीं थका। लेकिन अपने सभी मूव्स का इस्तेमाल करने के बाद मैक्स और रैक्स पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। मैक्स और रैक्स के सभी मूव कार्ड्स खत्म हो चुके थे और सेथ ने एओकाचार्य को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया था कि अगर एओकाचार्य पर कोई भी अटैक होता है तो उस अटैक से होने वाला नुकसान एओकाचार्य खुद ब खुद झेल सकता है और उस अटैक से होने वाले नुकसान को खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है और सिर्फ इसी वजह से एओकाचार्य इतने खतरनाक हमले सह पा रहा था। और बस कुछ ही टाइम बचा था, मैक्स और रैक्स बस हारने ही वाले थे और इतनी खतरनाक लड़ाई होने के बावजूद मैक्स और रैक्स के डायनासोर चौंप और एस बहुत बुरी तरह से थक चुके थे और चौंप और एस की एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी कि उनके डायनो होल्डर का कार्ड रेड ब्लिंक होने लगा था। मैक्स को लगा शायद अब हम हारने वाले हैं। फिर जोई अचानक लड़ाई के दौरान पेरिस रोलफर्स को बुलाती है और उसकी हेड की बोन से एक अजीब सी आवाज रिलीज होती है और उस आवाज को सुनकर एओकाचार्य परेशान हो जाता है। और जब तक एओकाचार्य ठीक होता उससे पहले ही जोई अपने पेरिस रोलफर्स के कुदरत का करिश्मा मूव से चौंप और एस को री एनर्जाइज कर देती है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चौंप और एस के सभी मूव कार्ड खत्म हो चुके थे। लेकिन इसी बीच डॉक्टर जी चौंप एस और पेरिस के लिए न्यू एलिमेंट बूस्टर लेकर आए जाते हैं और डॉक्टर जी के बनाए हुए न्यू एलिमेंट बूस्टर का इस्तेमाल करने के बाद चौंप एस और पेरिस सुपर पेरिस रोलफर्स सुपर ट्राइसेराटॉप्स और सुपर कान टॉरस में बदल जाते हैं। और इन सब डायनासोर्स को देखने के बाद गोमा भी अपने एओकाचार्य को सुपर एओकाचार्य में बदल देता है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी हमारी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आगे की स्टोरी हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 6 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के फैन मेड एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे एपिसोड मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जैसे 5000 व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 6 अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो का 5000 व्यूज का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आऊं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को डायनासोर किंग फैंस के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो दोस्तों मिलते हैं डायनासोर किंग की अगली वीडियो में। ओके बाय।